गाजा के रफा शहर में इजरायली सेना पूरी तरह से घुस चुकी है और अब आईडीएफ के टैंक और अन्य सैन्य वाहन रफा की गलियों की खाक छान रहे हैं, वो भी इस उम्मीद से कि वो रफा में हमास का सूपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि गाजा के अन्य हिस्सों के मुकाबले इजरायली फौज के लिए रफा के किले को भेद पाना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ पर हर कदम पर हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही आईडीएफ के टैंक और अन्य सैन्य वाहन वहां से गुजरते हैं, उन पर ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात हो जाती है। हमास ने रफा में अभी तक इजरायली सेना के कई मेरकावा टैंक्स को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन अब गाजा में हमास के लड़ाकों ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में इजरायली सेना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, पूर्वी जबालिया में हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर पर SA-7 एंटी एयर मिसाइल दागी है। अलकासिम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अलकासिम के लड़ाके अपाचे हेलीकॉप्टर पर पहले तो घात लगाते हैं और फिर उसके ऊपर मिसाइल फायर कर देते हैं। और इस हमले के अलावा अलकासिम के लड़ाकों ने रफा क्रॉसिंग के पास और जबालिया कैंप में इजरायली सैनिकों पर एक स्नाइपर ऑपरेशन किया है जिसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पहले अलकासिम के लड़ाके दूर खड़े इजरायली सैनिकों को राडार पर लेते हैं और फिर उसके बाद स्नाइपर राइफल से फायर कर देते हैं, जिसके बाद आईडीएफ का जवान जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद अलकासिम ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने जबालिया कैंप में आईडीएफ के मेरकावा टैंक को उड़ाने का दावा किया है। अलकासिम का कहना है कि उसने एंटी आर्मर डिवाइस और स्टिकी विस्फोटक डिवाइस से इन टैंकों को उड़ा दिया है और इस ऑपरेशन में उसकी मदद अलकुस ब्रिगेड ने भी की है। अलकासिम ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया है उसमें हमास का एक लड़ाका कई रॉकेट्स को विस्फोटक डिवाइस के साथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद ये विस्फोटक अपने आप फायर होने लगते हैं। इन सभी हमलों के बीच अलकासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसके लड़ाके अल अजरमा स्ट्रीट में आईडीएफ के जवानों और सैन्य वाहनों पर आरपीजी से हमला करने में कामयाब रहे हैं। ये हमले जबालिया कैंप में हुए हैं। इसके अलावा पूर्वी जबालिया कैंप में इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर 60 कैलिबर मोर्टर गोले दागे हैं और इस हमले के साथ ही अलास्का मार्टर ब्रिगेड के लड़ाकों ने पूर्वी रफा में इजरायली सैनिकों के ऊपर बम और हैवी कैलिबर गोलों से हमला किया है। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के कुछ लड़ाके हरियाली में छिपकर लॉन्चर में रॉकेट भरकर दनादन दाग रहे हैं। इसके अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें अलकासिम के लड़ाके एक खंडर पड़े घर में छिपकर सामने की बिल्डिंग में एक इजरायली सैनिक पर स्नाइपर ऑपरेशन करते हैं। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम का लड़ाका पहले तो जंगले की ईंट को तोड़ता है और उसके बाद वो वहीं पर अपनी स्नाइपर राइफल रखकर सामने की बिल्डिंग में मौजूद इजरायली सैनिक पर फायर कर देता है। इसके बाद बिल्डिंग के बाहर आईडीएफ के कुछ जवान छिपने के लिए भागते हुए नजर आते हैं।